ब्रेड से बना पराठा तो आपने शायद ही कभी सुना होगा। आज मैं ब्रेड और सूजी से बनने वाली एक टेस्टी नाश्ता रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड में डिजी को सब्सक्राइब कर लें और हम ब्रेड सूजी का पराठा बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड सूजी का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप व्हाइट या ब्राउन कोई भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें मुझे ग्राइंड करना है, जिसके लिए मैं इन्हें एक ग्राइंडिंग जार में इस तरह छोटे पीसेस में तोड़कर डाल रही हूँ। इसमें आधा कप सूजी डालकर इन्हें एक साथ ग्राइंड कर लें। ब्रेड और सूजी का पराठा रेगुलर पराठों से काफी डिफरेंट है, तो अगर आप रेगुलर पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार ये ब्रेड सूजी का पराठा जरूर ट्राई करें। इन्हें ग्राइंड करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तकरीबन 30-40 सेकंड में ब्रेड और सूजी अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। अब मैं जल्दी से इन्हें खोलकर देख लेती हूँ। ये देखिए, ब्रेड और सूजी ग्राइंड होने के बाद आपस में कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ब्रेड बहुत अच्छे से ग्राइंड हुई है। आप इसका दाना दाना अलग होते हुए देख सकते हैं। अब मैं पराठे की बाकी सामग्री तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं एक मिक्सिंग बाउल में 2 उबले हुए आलुओं को कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं। इसमें डालें बारीक टुकड़ों में काटा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्ची, बारीक काटे हुए 2 छोटे प्याज, बारीक काटा हुआ 2 चम्मच धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें ताकि इसके दाने मुंह में ना आए। अब इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर दें। मैं इन्हें तीखा नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर आप इन्हें तीखा बनाना चाहें तो इसमें काली मिर्ची पाउडर या लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ग्राइंड किया हुआ ब्रेड और सूजी का मिक्सचर डालकर एक साथ गूंथ लूंगी। इन्हें गूंथने के लिए मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। उबले हुए आलू और प्याज के मॉइस्चर से ही परांठे का डो बहुत अच्छे से गूंथा जाएगा। गूंधे हुए डो पर थोड़ा सा घी लगा दें ताकि ये सूख कर ड्राई ना हो जाए। इसे मैं ढककर 10 मिनट के लिए अलग रख दूंगी ताकि सूजी मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके फूल जाए। 10 मिनट रखने के बाद डो को एक बार फिर से थोड़ा सा गूंथ लें। अब मुझे इसके परांठे बनाने हैं। थोड़ा सा डो हाथों में लें और इस पर सूखा गेहूं का आटा या मैदा लगाकर बेल लें। इसे मैंने बेलकर एक बार फ्लैट कर लिया है। अब परांठा खस्ता बनाने के लिए इस पर थोड़ा देसी घी लगाकर अच्छे से फैला दें। देसी घी लगाने के बाद मैं परांठे के इस तरह से पीसेस काट लूंगी। अब इन काटे हुए पीसेस को इस तरह एक के ऊपर दूसरा रखते हुए इकट्ठा कर लें। इन्हें इकट्ठा करने के बाद इन्हें अच्छे से दबाकर अब फाइनली बेलकर सेकने के लिए तैयार कर लें। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि परांठा बढ़िया खस्ता बन सके, क्योंकि परांठे के हर लेयर के ऊपर देसी घी की बढ़िया कोटिंग आ जाएगी। अब परांठे को देखने में भी बढ़िया प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं इस पर थोड़े से सफेद तिल लगाकर परांठे को फिर से बेल लूंगी ताकि तिल परांठे में अच्छे से चिपक जाए और परांठा सेकते समय उतरे नहीं। ब्रेड सूजी का परांठा सेकने के लिए मैं एक गर्म तवे पर थोड़ा देसी घी लगा लूंगी। देसी घी से परांठा बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होता है। तवा गर्म होने पर गैस मीडियम हाई पर सेट कर लें और इस पर परांठा डालकर सेक लें। परांठे को खस्ता बनाने के लिए मैं इसकी दोनों तरफ फिर से देसी घी ब्रश कर लूंगी, लेकिन अगर आपको ना पसंद हो तो आप कम देसी घी या बिना देसी घी के भी पका सकते हैं। अब मैं फटाफट से परांठे को बारी बारी उलट पलट कर दोनों तरफ से सेक कर पका लूंगी। मीडियम हाई गैस पर तकरीबन 3 से 4 मिनट सेकने पर जब परांठा दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए तब ये सर्व करने के लिए तैयार है। इस खस्ता सूजी ब्रेड परांठे को अपने पसंद की चटनी, दही या अचार के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो आज की ये डिफरेंट सी रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और मेरे चैनल इंडियन फूड में डीजी को अभी सब्सक्राइब कर लें।